मैं रीना तोदी, प्रवक्ता ब्यूटी कल्चर राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से LRDC के वीडियो लेक्चर में आज आपको ऑयली हेयर पैक के बारे में बताऊंगी। हर्बल हेयर पैक के माध्यम से ऑयली हेयर का किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, बालों का ऑयली होने का क्या कारण है। हम कोई भी चीज ट्रीट करने से पहले, कोई भी स्कैल्प का ट्रीटमेंट देते हैं, उसके पहले में हमें ये पता होना चाहिए कि ये होने का कारण क्या है। हमारे बालों का या हमारी स्कैल्प का ऑयली होने का मुख्य कारण है हमारी ऑयली ग्लैंड। जब हमारी ऑयली ग्लैंड अपनी आवश्यकता से ज़्यादा सीबम को स्रावित करती है, ओवर एक्टिव हो जाती है, तो हमारी स्कैल्प ऑयली होना शुरू हो जाती है। जब वह ऑयली होती है तो धीरे धीरे वहाँ पे ऑयली डेंड्रफ भी होने लग जाती है, जिससे बालों को ऑक्सीजन नहीं मिलती और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरा कारण हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। जब हमारी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो भी हमारी स्कैल्प ऑयली होने लगती है और हमारे बाल ऑयली हो जाते हैं। तीसरा कारण वंशानुगत, वंशानुगत भी होता है। अगर आपके घर में हेरिडिटी है कि सभी के बाल स्कैल्प ऑयली है या किसी के स्कैल्प या बाल ऑयली है, तो वो भी जेनेटिक रिलीज आपके वंशानुगत हो सकता है, उस वजह से भी आपके बाल ऑयली हो सकते हैं। चौथा कारण हमारे खान पान की आदत। अगर हम ऑयली फूड ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो भी हमारे बाल ऑयली हो सकते हैं। इसके अलावा ऑयली और होने के कई कारण हो सकते हैं। हम बार बार बालों में कोम करते हैं तो हमारी ऑयली ग्लैंड एक्टिव होने लगती है, सीबम स्रावित होते हैं ज़्यादा, तो वो बालों को बाल उससे ऑयल एब्जॉर्व करता है और हमारे बाल ऑयली होने लगते हैं। ऑयली बालों का ट्रीटमेंट करने के लिए मैं आपको एक हर्बल पैक के बारे में बताऊंगी, जिसमें हमें क्या क्या सामग्री लेनी है। पहला है नीम, नीम की पत्तियां 10 ग्राम, रीठा 10 ग्राम, आंवला 10 ग्राम, शिकाकाई 10 ग्राम, नागरमोथा 10 ग्राम, कपूर काजली 10 ग्राम, भृंगराज 5 ग्राम, कॉफ़ी की बीज 10 ग्राम, लेमन या ऑरेंज का पील ले लें या उसके छिलके का पाउडर 15 ग्राम, हीना पाउडर 20 ग्राम, मुल्तानी मिट्टी 75 ग्राम। उपरोक्त सभी सामग्री को लेने के बाद इसे ग्राइंडर में ढालकर इसको बारीक पीस लें। जब ये बारीक पीस जाती है तो मैदा की चलनी से छानकर फाइन पाउडर तैयार करें। अब इस पाउडर को हम किस तरह से मिक्स करेंगे, किस में कि इसका एक पैक बने, इसके लिए आप या तो प्लेन वाटर लें या फिर अंडे का येलो पार्ट ले, वाइट पार्ट ले एग का, क्योंकि हमारे बाल ऑयली हैं तो हमें वाइट पार्ट लेना है एग का, या फिर आप खट्टा दही भी ले सकते हैं। उसके अंदर 2 टेबल स्पून जो हमने पाउडर तैयार किया उसका 2 टेबल स्पून मिक्स करके एक अच्छा फाइन पेस्ट बना लें। और इस पेस्ट को लगाने से पहले आप बालों को एक बार कोम करें, बालों को सुलझा लें, उसके बाद में हल्का सा स्प्रे करें ताकि जब हम पैक लगाते हैं, पानी का स्प्रे करें ताकि जब पैक लगाते हैं तो बाल खींचे नहीं, खींचने से वो टूटने का डर रहता है। फिर इस पैक को आप पूरी स्कैल्प और बालों में लगा के आधे से 30 से 40 मिनट बालों में छोड़ दें और बालों को शावर कैप से कवर कर दें। उसके बाद में ऑयली हेयर का शैम्पू लेके, वो भी माइल्ड शैम्पू लेके, बालों को पहले पैक को अच्छी तरह से टैप वाटर से रिंस करें, उसके बाद शैम्पू करें, टॉवल ड्राई करके उसे सूखने दें। यह पैक हमारे स्कैल्प की ऑयलनेस को कम करेगा, बालों में बाउंस देगा, बालों में चमक देगा, इसके अलावा बालों को स्मूथ बनाएगा। और अगर आप चाहें तो इस पैक में बियर को भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑयल को कम करेगा, आपकी स्कैल्प के ऑयल को कम करेगा। ओके, थैंक यू।